नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह वैकेंसी कई दिनों पहले निकल चुकी है और उसका ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। तो उस वैकेंसी का नाम है सर SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CND नोटिफिकेशन 2017। तो दोस्तों, ये वैकेंसी कई दिन पहले निकल चुकी है और ये ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, पर आज मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी लास्ट डेट आने वाली है। अभी भी 4 या 5 दिन बचे हैं। अगर आप में से किसी ने ये वैकेंसी नहीं भरी है तो अभी भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 17 जून 2017 से। अगर अभी तक आप में से किसी ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई है वो है जी 15 जुलाई 2017 शाम के 5 बजे तक। तो 15 जुलाई 2017 शाम के 5 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज क्या होगी, मतलब किस आयु का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो एज है वो है जी 18 से 27 साल। 18 से 27 साल का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है एज ऑन 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त 2017 को जनरल कैटेगरी के लिए जो भी व्यक्ति 18 से 27 साल के बीच में है वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी के लिए 5 साल की छूट है। जो भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से है वो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जी 12th पास, 12वीं पास व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं पास की हो एज ऑन 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त 2017 से पहले जो भी व्यक्ति 12वीं पास है वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। देन उसके बाद फिर सर बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। तो सर देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए नो फीस फॉर वुमेन SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन। अगर कोई भी महिला इस फॉर्म को भरती है या SC कैंडिडेट या फिर ST कैंडिडेट या फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन, तो इन सब के लिए कोई फीस नहीं है, इन सब के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी बचा जैसे जनरल या ओबीसी में मेन और जनरल में, ठीक है जी, तो उनके लिए 100 रुपए फीस है और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कराया जा सकता है, या तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालान निकलवा कर आप मैनुअली स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जा करके इस फॉर्म के लिए फीस को जमा करा सकते हैं। देन उसके बाद बात करें, अगर मैं इस फॉर्म को भर देता हूं तो इस फॉर्म को भरने के बाद मेरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है सर, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, मेरा जो रिटन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। अब SSC ने भी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अपने लगभग सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब जितने भी एग्जाम होंगे SSC के वो ऑनलाइन ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी का आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये दो है मेरे सिलेक्शन प्रोसेस में मेन। उसके बाद फिर बात करें सर डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अगर जो मेरा कंप्यूटर का जो एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो उसकी डेट क्या होगी, उसकी टेंटेटिव डेट क्या होगी। तो अभी नोटिफिकेशन में सर जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो दी हुई है जी 4 सितंबर 2017 से लेकर के 7 सितंबर 2017। तो 4 सितंबर 2017 से लेकर के 7 सितंबर 2017 तक मेरा ऑनलाइन कंप्यूटर पर पेपर होगा। और इस फॉर्म की डिटेल के बारे में मैं SSC की साइट पर जाकर के देख सकता हूं और इस फॉर्म को मैं वहां जाकर के भर सकता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। ऐसे ही जैसे ही कोई नई वैकेंसी निकलेगी तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए, मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोगों ने ये फॉर्म भर लिया होगा, पर अभी तक अगर कुछ लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, अभी फॉर्म को भर दीजिए। और देखिए उससे क्या होगा, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और SSC का आपका इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में 2017 लास्ट तक या 18 में आपका CHSL का एग्जाम होगा या आपका MTS का एग्जाम होगा, तो आप इस फॉर्म को भी भरिए, क्योंकि इसमें पहले पेपर है और उसके बाद स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट है। तो अगर आप पेपर में बैठते हैं तो आपको पता लगेगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले SSC वाले कैसे एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेपर का आइडिया लग जाएगा, तो नेक्स्ट CHSL और MTS में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 दिन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों, ये था SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CND का नोटिफिकेशन, जिसका लास्ट डेट है जी 15 जुलाई 2017। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।